हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे Joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे हमेशा कमेंट बॉक्स में पूछा है कि अगर फीमेल एक्टर के तौर पर करियर स्टार्ट करना हो तो क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका बेटर आंसर कोई फीमेल एक्ट्रेस ही दे सकती है। तो मेरे साथ है कनिशा मल्होत्रा। वेलकम टू Joinfilms। थैंक यू सो मच। ओके, आई लिए इतनी गजब की है ना कि कोई भी देखकर फिदा हो जाएगा। ये एक वेबसाइट है जहां डिवोर्सेस और विडोज की दूसरी शादी होती है। नो आईडिया मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं। आई मीन दिस प्लेस इज रियली कूल। I'm enjoying the job. It's really nice, yeah. सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कृष्णा, आपने जितने भी हिट शोज हैं टीवी के, वो सारे किए हैं। कौन-कौन से हैं वो नाम बताइए। मैंने ये है मोहब्बतें किया था। It's one of the most popular show on TV. POW किया था। It was directed by निखिल अडवाणी। And मैंने जी जिंदगी पे एक शो किया था, अगर तुम साथ हो। एपिसोडिक्स किए हैं बहुत सारे, CID, वेब कुमरा, प्यार तूने क्या किया। ओके, ग्रेट। मतलब काफी कुछ हो गया। लिस्ट गोज ऑन। ओके, और अभी करंटली क्या चल रहा है? करंटली मैं एक वेब सीरीज कर रही हूँ एक बड़े प्लेटफॉर्म और चैनल के लिए, विच आई कैन नॉट रिवील राइट। ओके ओके, तो अभी अंडर प्रोडक्शन होगा इस वजह से। एग्जैक्ट। लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ? स्टार्ट ऐसे हुआ कि आई वॉज इन स्कूल। तो जब मैं छोटी थी तो 10 साल की थी, मैंने अपना पहला शो किया था म्यूजिक धमाका। ओके, तो DD1 पे आता था। ओके, मेरी मदर को बहुत शौक था, मुझे लेके जाती थी जगह जगह पे कि ऑडिशंस हो रहे हैं। तो एक वो चीज था, बचपन से स्पार्क था एक मेरे अंदर। बट देन व्हेन आई ग्रू अप बिकॉज ऑफ स्टडीज मुझे उस चीज को थोड़ा काप डाउन करना पड़ा। okay. मैं नहीं ध्यान दे पा रही थी। एंड देन फ्यू ईयर्स बैक, लाइक व्हेन आई वाज स्टिल इन कॉलेज, फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, एक फिल्म के ऑडिशन हो रहे थे। इट्स कॉल्ड secondmarriage.com। एंड जब उस फिल्म के ऑडिशन हो रहे थे तो मैं ऐसे ही चली गई रैंडमली कि चलो स्कूल कॉलेज फ्रेंड्स सब चले गए कि चलो ऑडिशन देते हैं। एंड डायरेक्टर लाइक्ड मी सो मच कि उसमें दो एक फीमेल ली थी, शायोनी गुप्ता, शी इज वेरी नोन। उनके अलावा देयर वर टू मोर फीमेल लीड्स। एंड देन ही इज लाइक यार मैं आपको एक रोल तो पक्का से दूंगा। आई रियली लाइक द वे यू टॉक, द वे यू यू नो एक्ट। लेकिन उसमें ऑडिशन में आप जब पास हो गए, जो उनको अच्छा लगा उसमें, कहीं ना कहीं वो जो आप शोज में जाते थे करते थे, वो जो एक कॉन्फिडेंस आया होगा उसके करने के, वही वजह है कि आपका सिलेक्शन हुआ वो? एक्चुअली ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे भी नहीं आज तक पता कि क्या वजह है। आई कैन से कि कॉन्फिडेंस, आपने सही बोला कि एक जो कॉन्फिडेंस था वो थिएटर कर करके कॉलेज में आ गया था। तो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस की वजह से ही वॉज सो इम्प्रेस्ड द डायरेक्टर कि उन्होंने बोला कि कुछ भी हो जाए मैं इसमें आपको एक रोल तो पक्का से दूंगा। सो व्हेन आई डिड दैट फिल्म, इट रिलीज इन 2012। एंड जब वो फिल्म जब रिलीज हुई, आई रियलाइज कि आई हैव टू गो टू बॉम्बे, मुझे एक्टिंग में ही करियर बनाना है। तो मतलब फिल्म करने के बाद समझ में आया कि यही करना चाहिए। एक्चुअली कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा है, मैं सुन पा रहा हूँ कि वो दबी हुई बात थी, क्योंकि आप परफॉर्म करने जाते थे, उसके बाद ऑडिशन दिया, वहाँ पर भी हो गया, तो आपको एक तरह से क्लियर हो गया कि नहीं यार यही बेस्ट प्रोफेशन है। तो ये जब दिल्ली में थे, फिल्म मिल गई, फिल्म रिलीज हो गई, आप फिर मुंबई आ गए, तो उतना ही आसान सब कुछ था? ये बिल्कुल भी इतना आसान नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को मेरे पेरेंट्स को मनाना, माय मदर वाज इन माय फेवर, बट मेरे फादर को मनाना कि मुझे एक्टिंग करनी है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था। मेरे कजन है US में, तो मेरे पेरेंट्स मुझे 2013 की बात है, व्हेन आई टोल्ड देम आई वांट टू गो टू बॉम्बे, वो मुझे US ले गए और वहाँ पर उन्होंने मेरा बहुत ब्रेन वॉश किया कि इट्स अ वेरी बैड इंडस्ट्री, ये होता है वो होता है, बिकॉज हिज फादर वॉज इन तेलुगु इंडस्ट्री, साउथ इंडस्ट्री। तो उन्होंने मुझे बोला कि इट्स नॉट गुड, यू नो डोंट गो, यहीं पर जॉब कर लो, ये कर लो, पढ़ाई कर लो। इट्स लाइक नहीं, मुझे जाना है। एंड मेरे माई फादर डिड नॉट टॉक टू मी फॉर लाइक फर्स्ट 10-15 डेज अंटिल आई बैग माई फर्स्ट शो। जब मुझे पहला शो मिला तो फिर मैंने उन्हें बुलाया, मैंने कहा आइए आप सेट पर चलिए मेरे साथ। तो ही वॉज सो हैप्पी, वो सेट पर जाकर इतना खुश थे ना कि उनको बोल रहे सर आइए बैठिए हमारे साथ, चाय पीजिए, लंच कीजिए हमारे साथ। तो जो ट्रीटमेंट मिलता है, रिस्पेक्ट, तो जो ट्रीटमेंट मिला, रिस्पेक्ट मिला। एंड देन प्रोड्यूसर उनसे बहुत प्यार से बात कर रहे थे। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट महारक्षक देवी, जब मुझे फर्स्ट शो मिला था। तो बहुत खुश हुए वो, एक दिन के लिए आए थे। एंड देन व्हेनेवर आई एम डूइंग अ फिल्म और आई एम डूइंग अ शो, स्पेशली दिल्ली साइड और यू नो हिमाचल साइड और एनीवेयर अराउंड दिल्ली, तो हमेशा सेट पे जाते हैं। ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन ऑल दिस, उनको बहुत मजा आता है। ओके, ग्रेट। अवार्ड फंक्शंस में मेरे साथ जाते हैं, ही इज वेरी हैप्पी। तो पेरेंट्स को तो मना लिया, वो तो हो गया। लेकिन जब मुंबई आ गए
तो एक फिल्म भी आपके हाथ में थी पहले, आप कर चुके थे, लेकिन क्या यहाँ पर काम उसी तरह से तेजी से मिलता गया या रुकावटें रही कुछ? आई टेल यू समथिंग वेरी ऑनेस्टली, मुझे एक शो, मैंने बताया महारक्षक देवी, मुझे बहुत जल्दी मिल गया. इनफैक्ट मेरे बॉम्बे आने के फर्स्ट वीक में मुझे वेप्ट करके एक एपिसोड मिल गया था, बालाजी का शो है, तो आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट. लेकिन महारक्षक देवी खत्म होने के बाद मुझे एक डेढ़ साल कुछ काम नहीं मिला. ओके. उसके बाद मुझे ये है मोहब्बतें मिला, देन अगेन. सो आफ्टर एवरी प्रोजेक्ट आई हैड लॉट ऑफ गैप्स इन माय करियर. एंड एक टाइम तो ऐसा आया था आफ्टर POW, 1.5 ईयर्स, क्वार्टर टू 2 ईयर्स, लाइक एक के बाद एक वो होता है ना फेज, क्या बैक टू बैक 4-5 प्रोजेक्ट्स कर रहे हो. लेकिन एक सवा साल मुझे कुछ भी प्रोजेक्ट नहीं मिला. आई वॉज सो डिप्रेस्ड. दैट्स वेन आई रियलाइज कि मुझे लाइफ में कुछ और ट्राई करना चाहिए. एंड दैट्स हाउ डायरेक्शन एंड सॉरी एंड दैट्स हाउ डायरेक्शन एंड राइटिंग केम इन पिक्चर. मैंने सोचा कि कुछ और भी करना चाहिए लाइफ में. तो मैंने एक फिल्म में असिस्ट किया राम गोपाल वर्मा सर को. एंड दैट्स हाउ आई रियलाइज कि एज एन एक्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वर्क बिहाइंड द कैमरा टू अंडरस्टैंड अ कैरेक्टर. और जैसे हम लोग एज एन एक्टर हम थोड़े थोड़े टैंट्रम्स थ्रो करते हैं सेट पे. तो मैंने जब वो बिहाइंड द कैमरा वर्क किया रियलाइज की लोगों में क्या बीतती है. दैट्स हाउ आई बिकेम अ सटल एंड मोर रिस्पॉन्सिबल एक्टर. तो और ज्यादा बेटर एक्टर बन के निकले उसके बाद. एग्जैक्टली. तो मैंने आई रियलाइज माई लव फॉर फिल्म मेकिंग. मुझे मजा आने लगा फिल्में बनाने में. उसके बाद मैंने कई शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी की. तो वो तो था ही, लेकिन आई बिकेम अ मोर सटल एक्टर. मेरे अंदर बहुत चेंजेस आए. एंड 2016 में देन मुझे बहुत अच्छा शो मिला अगर तुम साथ हो जिंदगी पे. एंड सिंस देन माय जर्नी एज एन एक्टर टच वुड हैज बीन गुड. ओके. अब आप जो आगे जर्नी लेके जाना चाहते हो अपने करियर की, एज अ एक्टर, एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर? आई थिंक एक्टिंग इज माय पैशन. आई वांट टू कंटिन्यू दैट थ्रू आउट माय लाइफ. बट आई वांट टू डायरेक्ट. आई वांट टू बेसिकली आई वांट टू टेल स्टोरीज थ्रू फिल्म्स. ओके. और आई थिंक मैं वो भी कंटिन्यू करूंगी विद टाइम. ग्रेट. तो जब आपने सोचा था कि आपको एक्टर बनना है, फिल्म इंडस्ट्री में आना है, तो आपके पेरेंट्स घबराए थे. बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी हैं जो नए फीमेल एक्टर्स बनना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स वो भी घबराते हैं, वो भी डरते हैं. लेकिन आपके पापा को तो आपने दोनों तरफ की चीज़ें दिखा दी, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता. लेकिन वो आपसे अगर सुनेंगे आपका एक्सपीरियंस कि ये इंडस्ट्री कैसी है, तो शायद बेटर समझ पाएंगे. आई टेल यू समथिंग वेरी ऑनेस्टली फॉर ऑल द गर्ल्स आउट देयर जो ये देख रही हैं, नॉट ओनली गर्ल्स इवन गाइज, वेरी ऑनेस्टली स्ट्रगल है कोई भी. इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक. ईजिली नहीं मिलती हैं चीज़ें. बट टच वुड आई हैव बीन वेरी लकी कि आई हैव नेवर हैड अ बैड एक्सपीरियंस. आई वाज जस्ट टेलिंग समबडी फ्यू मिनट्स बैक ओनली कि आज तक मेरे साथ कभी किसी ने बदतमीजी नहीं की. एवरीबडी हैज़ बीन वेरी नाइस टू मी. एंड वन थिंग इज देयर, दिस इंडस्ट्री गिव्स यू लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. पीपल रिस्पेक्ट यू सो मच. जैसे मैंने बताया कि मैंने बिहाइंड द कैमरा भी काम किया, बट जो रिस्पेक्ट मुझे एज एन एक्टर मिलती है, जो मुझे खुशी एज एन एक्टर मिलती है, वो मुझे बिहाइंड द कैमरा नहीं मिलती है. राइट. सो फॉर न्यू पीपल, इफ यू वांट टू परस्यू दिस, यू विल हैव टू स्ट्रगल. स्ट्रगल इज देयर, बट इन द एंड द रिजल्ट इज इट्स ब्यूटीफुल. राइट. स्ट्रगल तो लाइफ में हर जगह ही है. आप कहीं भी जाएं तो कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप सबसे ज्यादा पाने की कोशिश कर रहे हैं. इस इंडस्ट्री में रिकॉग्निशन है, आपकी पहचान होती है. एब्सोल्युटली. वो सबसे बड़ी बात है. तो इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे टैलेंटेड लोग यहाँ पर जमे हुए हैं उसको कहने के लिए. कनिशा, अभी जो आप कर रहे हो उसमें जिस तरह के आपने कैरेक्टर्स किए हैं, जैसे आपने बताया एपिसोडिक भी किए आपने, उसके बाद आपने पैरेलल लीड भी किए, तो क्या कभी डर नहीं लगा? क्योंकि ज्यादातर लड़कियां सोचती है अब तो मैंने फिल्म भी कर ली है तो मुझे मेन लीड ही करना चाहिए. ऑनेस्टली बताऊँ, कभी भी नहीं. ओके. आज तक इनफैक्ट द नेक्स्ट सीरीज आई एम डूइंग, आई एम नॉट डूइंग अ लीड और आई एम नॉट डूइंग अ पैरेलल लीड. आई एम जस्ट डूइंग अ कैरेक्टर. बट आई एम हैप्पी विद द फैक्ट दैट आई एम वर्किंग. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं यहाँ पे ना, वो यही सोच के बैठ जाते हैं कि हम तो लीड ही करेंगे. एंड दैट्स वेयर देयर करियर गोज डाउन. राइट. वो लोग घर पे बैठे रहते हैं 1.5-2 साल. नोबडी विल कम एंड यू नो गिव यू वर्क एट होम अगर आप इतने नखरे करोगे तो. आई रियली फील दैट यू केम हियर टू बिकम एन एक्टर. यू केम हियर टू वर्क. So if you're getting something good, if you're getting work, if you're getting a character you can do justice to, you should absolutely do that. अभी अभी एक आपकी वेब सीरीज रिलीज हुई, उसके बारे में बताइए कुछ. So 22nd February को मेरी वेब सीरीज रिलीज हुई है डांस बार उल्लू पे. एंड आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ रूबी इन इट. शी इज बेसिकली अ बार डांसर जो बचपन से ही महाराष्ट्र में ही पली बड़ी है एंड बार में ही बचपन से डांस करती है. तो उसको ऐसा लगता है कि ये उसका एरिया है. एंड शी इज लाइक द बॉस. नोबडी कैन बीट हर. एंड
उसको फर्क नहीं पड़ता है कि वो कैसी दिख रही है, वो कैसे खा रही है, वो कैसे बैठ रही है. रूबी समबडी हु डजंट गिव अ डैम. ओके, शी इज इन हर ओन स्पेस. ओके, और उसके अकॉर्डिंग उसका कोई कंपटीशन हो ही नहीं सकता, और अगर है भी तो शी थिंक्स की शी इज अबव वन नॉच. ओके, तो रूबी का कैरेक्टर जो है इट एक्चुअली गिव्स वे, और बहुत ज्यादा जो चीजें हैं इट्स अ सस्पेंस. ओके, तो आपको देख के पता चलेगा इट्स अ वेरी गुड स्टोरी. और मुझे बहुत मज़ा आया. हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके बारे में रिसर्च भी की थी. हम एक रियल बार गए थे डांस बार रिसर्च करने के लिए, देखने के लिए, मेरे डायलेक्ट पे काम करने के लिए. मेरे मुझे क्लासेस दी गई थी. वी हैड वर्कशॉप्स, वी हैड डांस क्लासेस, लिटरली वो डांस लड़के टिपिकल. तो बहुत मज़ा आया. इट वॉज अ वन ऑफ अ काइंड प्रोजेक्ट एंड आई एम प्लेइंग पैरेलल लीड, आई एम नॉट डूइंग लीड. तो रूबी इज समबडी जिसके थ्रू स्टोरी move करती है ahead. Okay, okay. And it's a very important character. तो मुझे बहुत मजा आया ये सीरीज करके. Okay, it's on Ullu right now. ये भी बहुत अच्छा है कि कनिषा की जब इस तरह के रोल मिलते हैं जो नॉर्मल लाइफ में हमने नहीं देखे होते, और आपने बताया आपने रिसर्च की, आप खुद गए, तो हमें बहुत सारे लोगों को समझने का मौका मिलता है जो सोसाइटी में हमारे आसपास रह रहे हैं. बिल्कुल, और मुझे ऐसा फील होता है कि वेब कॉन्टेंट जो आजकल आ रहा है उसमें ऐसे कैरेक्टर्स बहुत दिखाए जाते हैं. एंड टू बी ऑनेस्ट वेब कॉन्टेंट में they want real looking people, real people. तो इसीलिए जब आप ऐसे सारे characters को देखते हैं तो आपको उनके करीब जाके मौका मिलता है उन चीज़ को समझे, society को समझे. And honestly, now when I'm doing web content, I am actually looking for such characters. मैंने एक और अभी web series किया था जिसमें I played struggling actress and then part time air hostess. Okay. So मैंने actually में लोगों से जाके बात की, actress I know I am, जो struggling days, लेकिन एयर होस्टेस से बात की उनकी लाइफ में क्या गुजरता है, क्या होता है डे टू डे लाइफ, वो फ्रस्ट्रेशन, सो दैट आई हैड पुट इन माय कैरेक्टर. ओके, सो हेल्प करता है वो, हेल्प करता है. तो मुझे एक दो और ऐसे कैरेक्टर्स थे जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे टाइप के कैरेक्टर करूंगी. आई प्लेड पुलिस ऑफिसर एंड आई प्लेड अ पाकिस्तानी फीमेल वन शो में. सो यू नो इट्स डिफरेंट, इट्स आई डोंट नो अबाउट देयर लाइफस्टाइल एंड वेब शोज फिल्म्स आर एक्चुअली getting such characters. So as an actor, it's I enjoy it a lot, knowing about other people. Thank you, Kanisha. Thank you so much. तो ये थी कनिषा मल्होत्रा. आपने इनसे अगर अच्छी अच्छी बातें सुनी हैं तो उसमें सीखने की जो ज़रूरत है वो ये है कि अगर आप कहीं से भी शुरुआत करना चाहते हैं अपने शहर से, तो वो चीज़ आपको सिखाती भी है, कॉन्फिडेंस भी देती है. उसके बाद जब आपका काम कोई देखता है तब आपको चांस मिलता है. इनको पहली फिल्म जो मिली वो ऑडिशन के थ्रू ही मिली और इनका काम देख कर ही मिली. उसके बाद कई लोग हैं जिनके पेरेंट्स नहीं मानते तो इस बात से क्षुब्ध हो जाते हैं, डर जाते हैं और मायूस हो जाते हैं कि यार पेरेंट्स नहीं मान रहे. लेकिन वो रुकी नहीं, इवन उनका माइंड वॉश भी किया गया. तो अगर आपका गोल एकदम सेटल है तो आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे. एक दिन कभी ना कभी ऐसा मौका बनेगा, परिस्थिति बनेगी कि आपकी पेरेंट्स मान जाएंगे. लेकिन हाँ, आपको साबित करना पड़ेगा. वो उन्होंने किया, साबित किया, काम किया. और इंडस्ट्री में आके जब उनके फादर ने देखा तो देखा कि नहीं, ये इंडस्ट्री बहुत ही अलग है, यहाँ पर सभी लोग बहुत अच्छे हैं. उसके बाद बात आई कि जब जब गैप आए तब आपको हौसला हारना नहीं, क्योंकि उससे कुछ हासिल नहीं होगा. दूसरी बात, मेन लीड जैसा कुछ नहीं होता. अगर आप प्रोफेशनल एक्टर हैं तो प्रोफेशनली आपको रोज़ काम करना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है. और फीमेल एक्टर्स के लिए बिल्कुल भी डरने की बात नहीं, बस हाँ आप में भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप डेस्परेट ना हो उस रोल के लिए. जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी. भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे. भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है. तो अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी. तब तक रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट. I will join films someday.